शीतला माता की पूजा में महिलाएं भूलकर भी न करें ये सात काम, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को शीतला माता पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सनातन हिंदू धर्म में शीतला माता के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। होली के पश्चात आने वाली सप्तमी या अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन वंदन किया जाता है, क्योंकि कहा गया है कि शीतला माता का पूजन अर्चन वंदन करने से संतान को उत्तम जो है स्वास्थ्य मिलता है, साथ ही उसको जो है दीर्घायु की प्राप्ति होती है। संतान की उन्नति और प्रगति के लिए इस व्रत को किया जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। साथ ही इस दिन यदि आप पूजन करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको जो अद्भुत और विलक्षण जानकारी देने जा रहे हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। शीतला माता की पूजा अर्चना चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को की जाती है। इस पूजा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ठंडा और बासी भोजन का ही माता को भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। पूरे उत्तर भारत में और अन्य क्षेत्रों में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का त्यौहार बासोड़ा के रूप में जो है मनाया जाता है। इस दिन वही बासी भोजन प्रसाद में जो है ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन खाना बंद कर दिया जाता है। यह त्यौहार शीतला माँ को प्रसन्न करने के लिए होता है, ताकि गर्मी के दिनों में पैदा होने वाली बीमारियों से घर की रक्षा की जा सके। इस दिन यदि शीतला माता का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, उनकी कथा को श्रवण करेंगे तो दाह ज्वर, पीत ज्वर, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार आदि रोग समाप्त हो जाएंगे। अतः मनुष्य के समस्त रोगों की समाप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में इसका विशेष महत्व बताया गया है और शीतला माता की जो पूजा है, अर्चना है, वंदना है, वह स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छता का जो है स्वरूप भी मानी गई है। और इस दिन जो है घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, एक दिन पहले ही भोजन बना करके रख देते हैं, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद माता को बासी यानी ठंडे भोजन का भोग अर्पित किया जाता है। उसके बाद घर के सभी व्यक्ति भासी भोजन ही ग्रहण करते हैं, यानी ठंडा भोजन ही ग्रहण करते हैं। इस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, ताजा खाना या ताजा भोजन अगले दिन नहीं बनाया जाता है। शीतला माता के अनुसार जो है माँ जगदम्बा का स्वरूप उन्हें माना गया है। शीतला माता दिगंबरा है और गर्दभ पर सवारी करती है। सूप और झाड़ू और नीम के पत्तों से उनके हाथ अलंकृत है और हाथ में शीतल जल उनके रखा हुआ है। पुराणों में एवं धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शीतला माता का मंदिर प्रायः वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष या फिर नीम के वृक्ष के समीप होता है। वहां पर शीतला माता का पूजन करने के बाद इन पेड़ पौधों का भी पूजन किया जाता है और इन पेड़ पौधों का पूजन करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती है उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा और प्राकृतिक विपदाओं से भी उस परिवार को दूर रखती है। इसलिए सभी लोगों को अपने घर में, अपने परिवार के साथ में, अपनी संतान के साथ में इस व्रत को धूमधाम से करना चाहिए और किसी भी प्रकार से इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को व्रत भी करना चाहिए। व्रत करने का अर्थ यह है कि एक दिन आपको जो है पूरे दिन व्रत रखना है और एक समय ही इसमें भोजन किया जाता है। एक समय आप जो शीतला माता को जो आपने भोग लगाया है, जो प्रसाद चढ़ाया है, बासी भोजन आपने जो भोग के रूप में अर्पित किया है, उसको ही प्रसाद रूप में एक समय भोजन ग्रहण करके इस व्रत को किया जाता है। यदि आप शीतला माता का पूजन करने जा रहे हैं तो इन सात बातों को ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। शीतला माता का पूजन जैसे आपको सप्तमी के दिन करना है या अष्टमी के दिन करना है तो एक दिन पहले रात को शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही भोजन बनाना चाहिए।
और उस समय स्नान यदि संभव हो तो ठंडे जल से स्नान करके ही भोजन तैयार करना चाहिए और उस रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी पति पत्नी को करना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस दिन आपको शीतला माता का पूजन अर्चन करना है उस दिन सूर्योदय के बाद तक किसी को भी घर में सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय के पहले ही सबको जाग जाना चाहिए। तीसरी बात है जिस दिन शीतला माता का पूजन किया जाए उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे जल से ही सबको स्नान करना चाहिए। चौथी बात है जिस दिन शीतला माता का पूजन आपके घर में किया जाता है उस दिन गर्म चीज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और गर्म चीज पीना भी नहीं चाहिए, जैसे गर्म चाय दूध पानी इत्यादि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवी बात है इस दिन आपके घर में चूल्हा भी नहीं जलाना है। जिस दिन शीतला माता का पूजन आप करते हैं उस दिन घर में किसी भी प्रकार से गैस स्टोव चूल्हा इत्यादि कोई भी अग्नि वाली वस्तु घर में नहीं जलाना चाहिए। साथ ही यदि आप शीतला माता का पूजन करने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको जो है अगरबत्ती नहीं जलाना है, दीपक भी नहीं जलाना है, कपूर भी नहीं जलाना है, यहाँ तक अग्नि की किसी भी चीज का प्रयोग वहां पर नहीं करना चाहिए। इसलिए इस दिन जो भी वस्तु अर्पित की जाती है शीतला माता को वो ठंडी वस्तु ही अर्पित की जाती है। छठी बात है पूजन के समय आप यदि मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं, शीतला माता के पूजन के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पर अपने साथ अपनी पुत्री को या अपने पुत्र को जरूर ले जाएं, क्योंकि संतान की उत्तम आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्रगति के लिए, संतान को सभी रोगों से बचाने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसलिए इस दिन अपने साथ मंदिर में अपने पुत्र को या पुत्री को या अपनी संतान को जरूर ले जाना चाहिए। सातवीं बात है कि घर में ताजा भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी आप भोजन आपने एक दिन पहले तैयार किया है उसी भोजन को माँ को भोग लगाया जाता है और उसके बाद परिवार के सभी लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे माँ शीतला की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और माँ शीतला का नाम भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।